हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स आपके चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एआई पावर्ड इवेंट टिकट बना सकते हैं। यहाँ पे ये हमने इमेज pixels.com से ली है, ठीक है, और ये अभी हम यहाँ पे हमारा runwayml.com जो AI टूल है यहाँ पे अभी हम अभी साइन अप करेंगे। ये फ्री है तो कोई टेंशन नहीं, बेझिझक यहाँ पे लॉग इन करो। अभी यहाँ पे जेनरेट इमेजेस करके लॉग इन होने के बाद यहाँ पे आप इनफाइनाइट इमेज में जाओ। यहाँ पे हमारा इमेज हम कंप्यूटर से अपलोड करेंगे, ये इमेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। अभी उसके बाद ये इस तरीके से रखो कि वो एग्जिस्टिंग इमेज पे ओवरलैप होना चाहिए। फिर आप लिखो एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड विथ स्टार्स, एक नहीं स्टार्स नहीं लिखते, एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड को जेनरेट करते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे अरे वाह, ये देखो हमको फ्रेम मिल गई, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, अभी हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पे हल्का सा ओवरलैप करके उसको जेनरेट करेंगे तो डायरेक्ट फ्रेम आपकी आते जाएगी। ठीक है, तो आप एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड का प्रॉम्प्ट हम चेंज नहीं करेंगे, उसको यहाँ पे रहने देंगे। ये देखो नीचे दूसरा भी आ गया, फ्लोर भी आ गया और शैडो भी आ गया, तो ये एआई इतना इंटेलिजेंट है। ठीक है, अभी ये इतना भी आप देखो, ये देखो अभी मेरे को बैकग्राउंड अलग आ रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ ना, बैक करता हूँ, तो ये देखो अभी वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपको अभी ये बैकग्राउंड से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये अगर आपने कहाँ पे भी बैक किया है तो वो ये समझता है कि भाई आपको वो टाइप का आउटपुट नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से फिर अलग अलग आउटपुट, ये देखो अभी लकड़ा भी दे रहा है। कोई बात नहीं, हमारा कलर टोन जो है ना पूरे आउटपुट का वो सेम ही है, तो हमको वो कोई टेंशन नहीं है। आप ये हिसाब से आप अभी जेनरेट करते जाओ, ये देखो ये आपको आते जाएगा। ठीक है, ये आएगा, ये हो गया, और जेनरेट करके आप चार ऑप्शन देता है वो आप देख सकते हो। अभी हम जूम आउट करते हैं और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों बना रहे, क्योंकि हमारा टेक्स्ट है ना ये राइट हैंड साइड पे आएगा। ओवरलैपिंग करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो एआई नहीं समझ सकेगा। ये देखो एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड, एक ही प्रॉम्प्ट से पूरा का पूरा हमारा ब्रांड न्यू आर्टवर्क बन गया, हमको अभी कोई काम करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे इसको डाउनलोड कर दो और उसको वहां पे आपके ड्रॉप बॉक्स में भी डाल दो। अभी हम नया एक बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि अभी दूसरा जो आर्टवर्क है ना हम अलग से बनाएंगे। क्रिएट अ ड्रीमी डार्क ग्रीन बैकग्राउंड विथ क्लाउडी बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हमने दो बार यूज किया है, देखते हैं इसका असर क्या होता है। अरे वाह, यहाँ पे देखो हमको फ्लोर भी आ गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारी लेडी है ना, वो फ्लोर पे बैठी है, स्टूल पे बैठी है, तो उसको फ्लोर होना बहुत जरूरी है, उसको हवे में तो नहीं खड़ा रख सकते। ठीक है, तो ये देखो ये अभी कुछ भी दे रहा है। ठीक है, तो हम कैंसिल करते हैं इसको और यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज करते हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमको क्या चाहिए, तो क्रिएट को हटा देते हैं। ड्रीमी डार्क ग्रीन बैकग्राउंड विथ क्लाउड्स एंड फ्लोर। ठीक है, हमारे पास क्लाउड्स और फ्लोर ये इमेज में है। अभी देखते हैं ये कहाँ, अरे वाह, ये देखो अभी बिल्कुल सही मुझे ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, उसको मैच कर दो और ओके एक्सेप्ट कर दो। अभी हमारे पास फ्लोर तो नहीं है, अभी सिर्फ क्लाउड्स ही चाहिए। ये देखो अभी ये कितने आप फास्ट हो रहा है, ये देखो ये आप सीधा नेक्स्ट 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 करो, चार में से कौन सा भी एक ऑप्शन चूज कर लो
वो परफेक्ट ब्लेंड हो जाएगा और वहां पे ये कंप्लीट हो गया। इसको सेव टू एसेट कर दो और इमेज को अभी हम एसेट में देखेंगे, ठीक है। तो ये एसेट में आएगा और ये देखो, ये पहला इमेज और ये दूसरा इमेज, और उसको अभी हम डबल क्लिक करते हैं और ये देखो, ये इतना बड़ा आप और एक्सटेंडेड बना सकते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम इतने में ही खुश है, हम इतना डाउनलोड कर देंगे। और अभी रिमूव बैकग्राउंड वाला हमारा पिक विश डॉट कॉम है, वहाँ पे जाते हैं, ये लेडी लेते हैं और अभी इसका जो बैकग्राउंड है ना वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे जो ये डंडी है ना, ठीक है, वो डंडी नहीं आई है, हम डंडी को ऐड कर देते हैं। उसके हाथ भी थोड़ा बहुत नहीं आया है, उसको भी बराबर अंदर ऐड कर लेते हैं। ओके ये आ गया। ओके अभी हम ये एक बाल भी नहीं आया है, जो उसका उड़ता हुआ बाल है, हम उसको भी अंदर डाल देते हैं। और फिर हम दूसरे पार्ट्स को भी देखते हैं। अरे ये देखो, ये कपड़ा भी नहीं आया है, इसको भी डाल देते हैं, ठीक है। ये डंडी भी नहीं आई, इसको भी अंदर डाल देते हैं। तो एआई काफी इंटेलिजेंट है, पर इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है, थोड़ा हमको भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो वहां भी इंसान एआई से जीत जाता है, ठीक है। ये कुछ कुछ छोड़ देगा, कुछ कुछ ज्यादा ले लेगा। ये देखो, ये उसने वो डंडी और स्ट्रिंग के बीच में क्या जो एरिया है ना, वो भी उसने ले लिया। अभी हम है ना, ये इसका आउटपुट देखेंगे मेरे दोस्तों। अगर आप देख सकते हो दूसरे साइड के ऊपर, तो ये काफी खुरखुरा आउटपुट है, ठीक है। इसको आपको कोरल ड्रॉ या तो फोटोशॉप के अंदर आपको इसको एडिट करना ही पड़ेगा, अगर आप बहुत बड़ा आर्टवर्क ले रहे हो तो। अगर नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा आउटपुट है, आपको इसको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लेना मेरे आउटपुट के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ A4 साइज एक इनविटेशन बना रहे, तो ये दोनों का यहाँ पे रख दो, हम पेज 1 पे काम करेंगे, ठीक है। अभी हम मल्टी पेज में जाके प्लस करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये पेज 2 में ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हम बाजू बाजू में रख रहे हैं दोनों पेज, जहाँ पे आपको ये दिख सकता है। इसको भी पावर क्लिप कर दो पहले इमेज की तरह, और इस तरीके से करो कि वो जो दूसरे साइड का जो बैकग्राउंड है ना, वो ज्यादा ना है, हमारा ब्लूइश वुडन वाला जो बैकग्राउंड है ना, वो ज्यादा है। अभी ये देखो, ये हमारी इधर भी हम पावर क्लिप में डाल देते हैं, ये इमेज को लेडी को प्रेस कर देते हैं। अभी ये तो हमारे हिसाब से हवा में उड़ रही है थोड़ी, एक काम करते हैं, इसको जमीन पे लेके आते हैं, ठीक है। ये पहले हम शेप टूल से इसका ये जो एरिया है वो छोटा कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो ये पेज के बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको अभी ये देखो, नहीं हमको अभी इससे ज्यादा छोटा नहीं, इतना छोटा तो नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, अंदर जाते हैं और ये इमेज को बड़ा कर, हाँ ये बस इतना, ठीक है। तो ये क्लाउड्स भी आ रहे हैं, स्टॉर्म भी दिख रहा है, ठीक है। और हमारा जो ये है, अभी हम इसको सेव कर देते हैं। ओके स्टॉर्मी परफॉर्मेंस, ठीक है, करके हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये जो स्टॉर्म का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इधर कंट्रोल दबा के आप एक एरो बनाओ, ठीक है, और उसको -90 डिग्री से रोटेट कर दो, ये बीच के नोड्स निकाल दो, और टू डॉकर्स में आके ये कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स इस तरीके से, तो फिलेट पे सिलेक्ट करके 7 mm पे डाल के आप अप्लाई करो, तो ये आ जाएगा आपको कॉर्नर राउंडेड, ठीक है, हो गया। अभी हम ये इमेज को कॉपी पेस्ट करते हैं और ये देखो, ये अभी वो ट्रायंगल के ऊपर आ गया। अभी इसको नीचे लेंगे ना, ये देखो हाथ उसका ट्रायंगल के पीछे चले गया है और बाकी की बॉडी और वो डंडी वो ट्रायंगल के आगे है, ठीक है।
ट्रायंगल को अभी कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको पॉइंट दे देते हैं 2 पॉइंट, राउंडेड एज, राउंडेड कॉर्नर, और एक काम करते हैं, हाँ ये यहाँ पे इस तरीके से होते हैं। ओके अभी हम इसको कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, अरे ये क्या हुआ, ये लाइन पतली क्यों है, कोई नहीं, इधर स्ट्रेट कर दो और ऑपोजिट वाले को भी स्ट्रेट कर दो, तो ये वापिस आपकी लाइन सेम हो जाएगी। ठीक है अभी रेड आउटलाइन देते हैं क्योंकि हमको रेड ग्लो चाहिए। यहाँ पे 8 पॉइंट लो, राउंडेड कॉर्नर, स्केल विथ ऑब्जेक्ट बिहाइंड फिल, ये दोनों सिलेक्ट करना ना भूले। ठीक है अभी हम हमारा गॉशियन ब्लर देते हैं और इतना ही दो कि व्हाइट लाइन भी दिखे और आपको ग्लो इफेक्ट आए। 6 पॉइंट बिल्कुल सही है, रहने दो। ठीक है अभी हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको फ्लिप करके छोटा कर देंगे। अभी आप देखो, अगर आप नीचे देख रहे हो तो ये आउटलाइन उसका 2.17 है। ठीक है ये बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों, नहीं तो आपका आउटलाइन बहुत ही मोटा होगा और ये अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि वो व्हाइट लाइन तो पतली होती जाएगी। ओके अभी हम हमारा टॉपिक लिखेंगे स्टॉर्मी नाइट्स, ठीक है, और फॉन्ट लेंगे फीरा सांस, यहाँ पे फीरा सांस फॉन्ट लेंगे और स्टॉर्मी को हम अभी बोल्ड कर देंगे, एक्स्ट्रा बोल्ड। ओके तो ये हमारा यहाँ पे रख देते हैं और इसको फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करो और अभी देखते हैं कि ये अलग अलग कलर्स में किस तरीके से दिखता है। तो हमारा नजिंग हम 0.2 ले लेंगे, सीई करके दोनों को ये कर दो सेंटर, और ये 0.4 नज, मतलब 0.2 दो टाइम। ठीक है इसको रेड करके भी देखते हैं, क्योंकि हमारा ट्रायंगल रेड है, ये कैसे लग रहा है, एक काम करते चलो ये है ना रेक्टेंगल को रेड कर देते हैं, और ये अंदर का हमारा बैकग्राउंड है ना उसको हल्का सा ट्रांसपेरेंसी, हमारे टेक्स्ट तक ध्यान रखना है, ये टेक्स्ट तक ही ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। ये देखो ये कैसा लग रहा है, नहीं ये अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट भी बराबर दिख रहा है, पर रेड है ना थोड़ा बहुत अजीबोगरीब ब्राइट है, तो एक काम करते हैं इसको है ना थोड़ा डल करते हैं। डल कैसे करेंगे, ये जो कलर है उसका मरून ड्रेस है वो ड्रेस का कलर लेते हैं। ओके ये यहाँ पे देखो बिल्कुल मैच हो रहा है। अभी हम यहाँ पे ये कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है, अच्छा ओके CMY के करने के बाद। ओके वापिस हम पिक टूल लेके हमारा वो कलर वापिस लेते हैं, 4000 इसको 75 करते हैं, इसको 50 करते हैं, ब्लैक को पहले देखते हैं क्या, अरे नहीं ये तो पिंकिश आ रहा है, ये नहीं चल रही, 80 रहने। ठीक है तो ये परफेक्ट हमारा सेम टू सेम ऑलमोस्ट वो CMY के कलर RGB के जैसा ही। ये ट्राइंगल्स को एडजस्ट कर दो कि हम वहां पे टेक्स्ट लिख सके क्योंकि ट्राइंगल बहुत बाहर थे, अगस्त लिखेंगे, अगस्त 23, आज का तारीख 2023। ओके और वेन्यू लिखेंगे टाउन हॉल इंडिया, नहीं इंडिया थोड़ा ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, मुंबई। ठीक है और उसको सेंटर अलाइन कर दो, इसके साथ भी सेंटर अलाइन कर दो, इसको डिलीट कर देते हैं पहले बैक इसके शेडो को, और अभी देखते ये ओके दोनों को 36 पॉइंट करते हैं और इसको करते हैं 36 वापस। अभी छोटा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, इसको छोटा करते 24 पे, हाँ ये बराबर दिख रहा है। ओके फ्री टिकट, ओके ये हमारा फ्री टिकट है, इसको 24 पॉइंट पे करते हैं, नहीं 30 करते हैं, इसको और बड़ा करते हैं 24। आपको है ना ये अलग अलग टाइम पे ये हर चीज के साथ खेलना पड़ेगा। फ्री टिकट को ऊपर डाल देते हैं, इसको रेड कर देते हैं चलो, क्योंकि हमारा रेड ग्लो भी है। और अभी यहाँ पे हम लॉरेम इप्सम है ना उसका अभी ये टेक्स्ट ले लेते हैं,
ओके, लॉरम इप्सम जनरेटर, वहां पे जाके आप लॉरम इप्सम को कॉपी पेस्ट कर दो। ये एरियल में आया है, इसको फीरा सांस में ले लेते हैं। हम पूरा हमारा आर्टवर्क फीरा सांस से ही बनाएंगे। इधर टेक्स्ट बॉक्स लेके इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। जितना भी एक्सेस है उसको हम अभी निकाल देंगे। ये हो गया, सेंटर अलाइन कर देते हैं इसको। और अभी हम आइकन्स लेते हैं। ये आइकन्स हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ईमेल, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट हम वहां से ले सकते। अभी ये सबको छोटा कर दो। अगर छोटा करेंगे ये देखो तो ये है ना, बहुत 4000 DPI के आर्टवर्क्स है, तो ये 300 पे कर दो सबको। क्योंकि अगर हमको इसको कलर चेंज करना है ये लाइन आर्ट करके, तो 4000 DPI को वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो 300 कर दो। इसमें आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, ब्लैक एंड व्हाइट करने में आपको उतना ही क्रिस्प इमेज मिलेगा। तो ये सबको हम ये कर देते। ये लास्ट वाले को हम रिमूव कलर फ्रॉम एंटायर इमेज, पूरा व्हाइट निकलना चाहिए। अभी सबको अनग्रुप कर दो, डिलीट कर दो। और ये वापस एक एक ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर दो, ये इसको, इसको और इसको। ठीक है, कुछ भी अलग अलग छूटना नहीं चाहिए, व्हाइट करके यहाँ पे डाल दो। ओके, ये लॉरम इप्सम को कन्वर्ट टू कर्व्स कर देते हैं और यहाँ पे रहने देते हैं। और ये सबको एक काम करते, 6 6 mm हम रहने देते। ठीक है, तो ये छोटा भी रहेगा और वो आइकन भी अपना काम कर रहा है। सबको सेंटर अलाइन करके यहाँ पे अलाइनमेंट टूल में आके हम इस तरीके से अलाइन करके अभी सबको नज करेंगे। तो क्या है कि वो अपने साइज के हिसाब से परफेक्ट आया। ये ज्यादा टाइम ले रहा है, 1 mm ले लेते हैं, ये परफेक्ट है। ठीक है, इसको हल्का नीचे ले लो जमीन पे, उसका फ्लोर पे। और फिर यहाँ पे लिखते हैं yourmail@gmail.com। ठीक है, फिर +972, ये जो भी कुछ भी नंबर लिख दो, और www.yourwebsite.com। ठीक है, ये तीनों आ गए। इसको वाइट करके अभी हम 18 पॉइंट और फीरा सांस, ये ध्यान रहे फॉन्ट एक ही रखना, हम एक ही फॉन्ट के आर्टवर्क बना रहे। इसको सेंटर में लेते हैं योर मेल को, और ये दोनों को ये बाकी के टेक्स्ट के हिसाब से हटा देते। ओके, अभी इसको थोड़ा बाहर लेते क्योंकि नजदीक इसके लिए रखा था, क्योंकि अलाइनमेंट करनी थी बस। ठीक है, और ये सबको अभी अलाइन कर दो। ये जो लॉरम इप्सम है ये बराबर नहीं लग रहा है, ये दूसरा अलाइनमेंट आ रहा है। एक काम करते हैं, वापस लॉरम इप्सम कैप कॉपी पेस्ट करते हैं, सेंटर अलाइन करते हैं, और अभी हम जितना चाहिए ना उतना रख के बाकी का डिलीट कर दो। ठीक है, हो गया, इसको डिलीट करो, यहाँ पे रख दो। और ये जो हमारा लॉरम इप्सम है ना, ये आर्टिस्ट के बारे में हम कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, कि ये आर्टिस्ट ने अभी तक कहाँ कहाँ क्या किया है, उसका प्लेइंग का स्टाइल क्या है। तो ये सबको सेंटर अलाइन कर दो, इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करके। अभी हम बार बार कन्वर्ट टू कर्व्स उसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अभी सोचते हैं शेडो बनाना है ये दूसरों की तरह। ठीक है, तो ये ब्लैक करके शिफ्ट पेज डाउन कर दो, और ये फ्री टिकट को भी एक शेडो दे देते हैं कॉपी पेस्ट करके। इसको भी एक शेडो दे देते हैं, जूम करके देख लो, नहीं ये बहुत दूर जा रहा है, कंट्रोल दबा के शेडो हल्का सा ही दे दो। ओके, ये हो गया। अभी हम ये दूसरे आर्टवर्क में तो हमको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना, ये देखो सेम पोजीशन पे पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है वहां पे, इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, इसको रोटेशन एंगल 0 दे दो। ये हो गया, ये फ्री टिकट हम फ्रेम के हिसाब से रखते हैं, फ्रेम के बॉर्डर के हिसाब से।
कि कहाँ पे आ रहा है, इसको दूसरे में हम अलाइन कर देते हैं क्योंकि हमारा वो ग्रिड वहां से बन रहा है। अरे यार ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, ये सिलेक्ट करते हैं दोनों को और भाग ले देते हैं। ठीक है ये आ गया, और इसको भी ब्लैक नहीं, ये व्हाइट में ही अच्छा लगा। ये देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हल्का सा कर रहा है, कोई नहीं। अभी हम यहाँ पे ये एक स्क्वायर लेते हैं क्योंकि वो फ्री टिकट है ना, थोड़ा गायब हो रहा है ग्रीनिश डार्किश बैकग्राउंड में, उसको हम अभी उठाएंगे, दोनों जगह दोनों आर्टवर्क में उठाएंगे। तो ये पेचकल इफेक्ट आप ले लो, ये इस तरीके से लो कि वो ज्यादा पेचकल ना हो, सिर्फ हल्का वो फ्री टिकट का एरिया कवर करना चाहिए वो बाहर निकलने में, उससे ज्यादा नहीं। इसको ओके कर दो। ठीक है, और यहाँ पे अभी और एक रेक्टेंगल लेंगे, वो हमारा पेज कर्ल का जो ट्रायंगल बन रहा है ना वहां तक ही, और कन्वर्ट टू कर्व करके यहाँ पे ये ट्रायंगल यहाँ पे बना देते, इसको व्हाइट आउटपुट देते हैं और ट्रांसपेरेंसी देके अभी 50% पे उसको रहने देते। फिर ये पेज कर्ल को कंट्रोल पेज डाउन करो तो पेज कर्ल के पीछे चले जाएगा। ठीक है, तो हमारा पेज कर्ल का इफेक्ट, और फिर फ्री टेक्स्ट को बाहर लेके अभी पेज कर्ल के यहाँ पे इस तरीके से शेडो दे दो। तो ये जो हमारा पर्पलिश अरे मरूनिश डार्क शेडो है ना, वो परफेक्ट है। अभी हम दूसरे आर्टवर्क के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लो, इधर हम पेज कर्ल नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम किसी और तरीके से खेलें। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्री टिकट है ना, उसको हम दो तरीके से आपको आज दिखा रहे कि उसको एम्फेसाइज किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसको ये बॉर्डर पे वापस ले लेते हैं, इसको अंदर ले लो और यहाँ पे हल्का सा ये यहाँ पे ये डाल दो। ठीक है, तो ये डालने से क्या होता है कि वो फ्री टिकट है ना वो उठ के आ रहा है, इसको बिट मैप कन्वर्ट करके ऊपर से भी आप ट्रांसपेरेंसी दे दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आ गया, ये जो है ना ये अभी फिलहाल और धुंधला दिख रहा है, इसको 40 करते हैं, 30 करते हैं, नहीं 30 ज्यादा हो गया, कंट्रोल जेड, 40 परफेक्ट है। ठीक है, ये हमारा आर्टवर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। शुक्रिया।